दोस्तों आपके पास ट्रू कॉलर की ऐप है तो आपको पता ही होगा कि ट्रू कॉलर के द्वारा आपको कई सारे फालतू के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे कोई भी कॉल करता तो यहाँ पे जो फालतू के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते हैं। साथ में यदि मुझे कोई कॉल नहीं करता है तब भी मुझे फालतू के कई सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रू कॉलर के अंदर जो फालतू के जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रू कॉलर की जो ऐप है वो आपको इस प्रकार से ओपन करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल का जो ऑप्शन मिलता है आपको इसके अंदर जाके नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन, तो आपको इसको बंद कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है प्रोफाइल व्यू नोटिफिकेशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको इसको भी बंद करना है। और साथ में रिमाइंड मी ऑफ मिस कॉल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है इसको भी आपको बंद करना है। इसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेजिंग का जो ऑप्शन है वो मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है स्मार्ट रिमेंबर, तो कि आप देख सकते हैं, तो आपको इसको बंद करना है। और साथ में यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन है इसको भी बंद करना है। और यहाँ पे जो एसएमएस डिलीवरी रिपोर्ट है इन दोनों को यहाँ पे आपको बंद कर लेना, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है, तो दोस्तों इसको बंद कर लेना है। परंतु दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको जब भी कोई कॉल करता है तो आपको यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन मिलता है इसको यदि आपको बंद करना है तो आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ऐप के अंदर जाना है। तो चलिए मैं ऐप के अंदर जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऐप का जो ऑप्शन मिलता है हमें इसके अंदर जाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो 3 डॉट दिखे दे रहे हैं आप देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर जाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपको डायल पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रू कॉलर है इसको यहाँ से हटा के हमें कॉन्टैक्ट एंड डायलर के अंदर जाना है, मतलब हमारा जो अपने मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब मुझे जब भी कोई कॉल करेगा तो यहाँ पे जो वो वाला नोटिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें वो फालतू का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार से आप अपना जो ट्रू कॉलर है उसके अंदर से जो फालतू के नोटिफिकेशन है उसको हटा सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।